अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है सरसों का साग। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर रख दिया है गैस पर। तो यहाँ पर हमने 3 गड्डी सरसों की भाजी ली, इसे साफ किया और 3 से 4 पानी से अच्छी तरह धो लिया और धोकर बारीक काट लिया है। तो कुकर में हम ये भाजी डाल देंगे और 1 गड्डी हमने मेथी की भाजी ली, इसे साफ किया और साफ करके इसे धो लिया है। तो ये भाजी भी इसमें डाल देंगे मेथी की, और 1 गड्डी पालक की भाजी बारीक काट ली। और जब भी आप साग को बनाएं तो प्रेशर कुकर को गैस पर रखकर तभी आप सब्जियों को डालें इसमें। वैसे सरसों के साग को हांडियों में पकाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके से जो साग बनाया जाता है वो हांडी में पकाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हांडी नहीं है तो हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो सरसों के साग को जब आप पकने रखो तो गैस को चालू रखो, क्योंकि भाजियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो गैस चालू रहेगी तो ये पकती जाएगी और दबती जाएगी, यानी बैठती जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन, और 1 चम्मच डाल देंगे कुटा हुआ अदरक। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक को छोटे छोटे पीसों में काट कर भी डाल सकते हैं और लहसुन को भी छोटे छोटे पीसों में काट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसे कूट कर डाला है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और 5 से 6 हम लेंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को हम इसी तरह डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। 1 कप डालेंगे इसमें पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अब हम लिड कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें 15 से 20 सीटी ले लेंगे। भाजी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर ये साग को देख लेंगे। तो ये सारा साग जो है वो अच्छी तरह पक गया है। अब यहाँ पर हम एक मैशर लेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बस इस तरह इसे मैश कर लेंगे, और साग को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है। तो ये साग को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है, ये देखिए। तो ये साग को अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। इस तरह आप साग को पहले मैश कर लें। चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे बटर और इसी के साथ थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे हम, 1 टेबल स्पून के करीब। जब दोनों चीज़ें थोड़ी सी तड़क जाए तो 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें जीरा, जैसे तोड़ लिया है। और यहाँ पर हमें 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ली, तो ये डाल देंगे। और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी करने के बाद में अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन 1 चम्मच और कुटा हुआ अदरक थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें थोड़े पाउडर मसाले डालेंगे, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, 3 मीडियम साइज के टमाटर, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे साग और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर पका लेंगे, और इसे ढाँक कर थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ी देर ढाँक कर पकाने के बाद में अब इसमें 2 चम्मच के करीब डालेंगे हम मक्के का आटा। फ्लेम को अभी यहाँ थोड़ा स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और जैसे ही हम मक्के का आटा डालते हैं तो सरसों का साग जो है ये देखिए इस तरह बाइंडिंग होने लगती है और ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है। गैस को हम यहाँ थोड़ा मंदा रखेंगे और इसे 8 से 10 मिनट और पका लेंगे। तो बस थोड़ी देर पकाने के बाद में ये देखिए सरसों का साग जो है तो बनकर तैयार है। अब इसमें हम लगा लेंगे तड़का। तो ये साग को हमने निकाल लिया है एक बड़े से बाउल में। अब इसमें हम लगा लेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी और 1 चम्मच डालेंगे इसमें बटर। 4 लहसुन की कमी है इन्हें हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 पिंच के करीब इसमें हींग डालेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च इसे हमने बारीक काट लिया है ये डाल देंगे, और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ये डाल देंगे, और 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए ये भी डाल देंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। टमाटर जब थोड़े से पक जाएं तब इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और बस थोड़ी देर इसे और पका लेंगे, और इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे जूलियन कट। ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह पक जाएं तब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम डालेंगे साग में। तो ये सारा तड़का हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो सरसों का साग बनकर तैयार है। इसे आप मक्के की रोटी के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।